हेलो एवरीवन आज की वीडियो में हम क्लास सेवन चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंज वन शॉट वीडियो करने जा रहे हैं तो लेट्स बिगिन नाउ हमें इस इसमें पॉइंट्स क्या क्या याद करने हैं पॉइंट्स टू बी लर्न ए टाइप्स ऑफ चेंजेस चेंजेस क्या क्या होते हैं बी क्लासिफाइंग चेंजेस क्या क्या क्लासिफाइंग चेंजेस होते हैं सी रस्टिंग ऑफ आयरन आयरन में रस्टिंग कैसे होती है प्रिवेंशन ऑफ रबिंग प्रिवेंशन ऑफ रबिंग पढ़ेंगे ई e, क्रिस्टलाइजेशन तो लेट्स गेट स्टार्टेड टाइप्स ऑफ चेंजेस देख लेते हैं आ, तो टाइप्स ऑफ चेंजेस कितने होते हैं देर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस ए फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज क्या होता है फिजिकल चेंज अ चेंज इन विच सब्सटेंस अंडरगोज अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप कलर साइज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज जो चेंज एक सब्सटेंस uh, के अंदर चले जाता है Uh, उसको हम फिजिक uh, वो अंदर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक शेप कलर साइज स्कॉल्ड फिजिकल चेंज अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हम एग्जाम्पल ब्रेकिंग अ पीस ऑफ चॉक बी बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म वेपर सी स्टिचिंग रबर बैंड डी टीयरिंग अ पीस ऑफ पेपर ई कॉन्वेक्शन आइस रबर क्यूब्स इनटू टू वाटर एफ मेल्टिंग ऑफ वैक्स अब हम देख लेते हैं केमिकल चेंज क्या होता है आंसर अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड केमिकल चेंज जिस चेंज में एक और एक से अधिक चेंज फॉर्म uh, होते हैं उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल चेंज आर ए मोस्ट ऑफ देंजेस आर इिवर्सिबल बी दे रिलीज और एब्जॉर्ब एनर्जी सी वन और मोर न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं सम एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज सम एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज है ए कडिंग ऑफ मिल्क बी बर्निंग ऑफ बर्निंग ऑफ अ पीस ऑफ पेपर सी कुक ऑफ राइस डी रेस्टिंग ऑफ आयरन ई एक्सक्लूजन ऑफ फायर क्रैकर्स क्वेश्चन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है ए चेंज इन कलर absorbed answer resting b a gas is involved reaction between vinegar and breaking soda result in production of carbon dioxide c sound is produced answer explosion of crackers d heated produced sorry heat produced answer reaction between hydrochloric acid and sodium hydroxide question e changes in taste answer. कट फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम मिल्क एफ लाइट इज प्रोड्यूस्ड एज बर्निंग ऑफ फ्यूल अब हम इसमें ओजोन लेयर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन राइट सम पॉइंट्स अबाउट ओजोन लेयर ओजोन लेयर के बारे में हमें कुछ पॉइंट्स लिखने हैं आंसर इट एक्ट्स एज अ शील्ड अगेंस्ट दार्मफुल रेडिएशन ऑफ सन ये एक शील्ड वो फॉर्म करता है जिससे जो हार्मफुल रेडिएशन होता है वो सन का ना आ पाए फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट इट इट केमिकल फॉर्मूला इट ओ इसका ओजोन का केमिकल फॉर्मूला है ओ ठीक है तो ये भी एक केमिकल चेंज में ही आएगा थर्ड पॉइंट ओजोन प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेस कमिंग फ्रॉम द सन ओजोन ऑब्जर्व रेडिएशन एंड ब्रेक डाउन इनटू टू ऑक्सीजन ओके अब हम पढ़ने वाले हैं रस्टिंग के बारे में प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेड और ऑरेंज कोटिंग ऑन दर्फेस ऑफ आयरन वेन एक्सपोज टू एयर एंड मोस्चर इज कॉल्ड रेस्टिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्टिंग कैन बी रेप्रटेड रेप्रेजेंटेड बाई देशन रेस्टिंग का इक्वेशन आयरन प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू रेस्ट ओके अब हम इसमें देख लेते हैं कि रेस्टिंग कैसे प्रिवेंट होता है

answer when iron nails are dipped in copper sulfate solution a brown layer of copper get deposited on the surface of iron nails after some time this happened due to reaction between copper sulfate and iron also the color of copper sulfate change iron blue to green due to formation of copper sulfate next question why lime water turns milky or passing carbon dioxide into it answer lime water calcium hydroxide is colorless solution when we use pass carbon dioxide gas into lime water it forms white colored insoluble calcium carbonate which give milky appearance question why burning of candle considered a chemical change answer during burning of candle heat and light energy is given out and it is not possible to recover the burnt wax in again and recover the burnt candle thread again so the burning of candle is a chemical change okay hamara last topic hai, crystallization question why, crystalline, uh, why rusting of iron object is faster in coastal areas than in desert q rusting of iron faster in कोस्टल एरिया कोस्टल एरिया में क्यों रस्टिंग ऑफ आयरन बहुत फास्ट होता है बल्कि एक डेजर्ट एरिया में नहीं आंसर प्रेजेंस ऑफ टू कंडीशन इज वेरी एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग मोइस्चर इज वेरी हाई एज कंपेयर टू डेजर्ट सो रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट इज फास्टर इन कोस्टल एरिया देन इन डेजर्ट ओके क्वेश्चन व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टलाइजेशन आंसर

Second point: Heat the beaker and then add copper sulphate powder to it, stir continuously. Third point: Keep on adding copper sulphate powder until no more powder can be dissolved. Four: Filter the solution and leave it for cooling. Fifth point: After some time, blue crystals of copper sulphate is seen at the base of beaker. और आप ऐसा एक डायग्राम बना दीजिएगा ठीक है और ये ये वाटर है कॉपर सल्फेट मतलब कॉपर सल्फेट सल्यूशन है और ये जो नीचे में जो ऐसे है ना वो क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स है कॉपर सल्फेट के ओके तो गैस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और आने वाले फाइनल एग्जाम के पेपर इस चैप्टर से ही आएंगे मोस्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे तो इस चैप्टर ये आप चैप्टर आपको बहुत मदद करेगा आगे पढ़ने के लिए ठीक है तो ये हमारा एक वन शॉट वीडियो था वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्त को जरूर शेयर करें और जो भी चैनल पर न्यू है वो जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब कर दे थैंक यू सो मच वॉचिंग बाय